जीवन में सुख चाहिए तो ऐसे कर्म कभी मत करना। जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, एक गुरु ने अपने शिष्य को कुछ ऐसे सूत्रों को बताया जो आपके भी जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगर आप भी इन बातों का पालन करेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे। गुरु ने कहा, हे शिष्य, अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह मनुष्य इस जन्म के साथ ही अगले जन्म में भी सुख भोगता है, एवं अगर जो बुरे कर्म करता है, जीवों पर जो अत्याचार करता है, जो निज स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, जो अधर्म करता है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाता है, जो दूसरों को परेशान करता है, ऐसे मनुष्य की दुर्गति निश्चित है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों पर मनुष्य का अधिकार है, परंतु उन किए गए कर्मों के फलों पर मनुष्य का कोई भी अधिकार नहीं है। कर्म फल पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा। उसके कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलेगा। हमारा आज का किया गया कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा, बुरा कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य भी बुरा होगा। कर्म की गति बहुत ही विचित्र है। कर्मों से ही राजा रंक बन जाता है और कर्मों से ही रंक राजा बन जाता है। गुरु ने शिष्य से फिर कहा कि हे शिष्य, कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारा भले ही शत्रु है और वह व्यक्ति दुखी है, रोगी है, उसके दुखों को देखकर कभी प्रसन्न ना होना, क्योंकि उसके कर्म का फल तो वह दुख भोगकर काट लेगा। परंतु अगर उसके दुखों को देखकर तुम प्रसन्न होगे तो वहाँ पर तुम अपना बुरा कर्म बना लोगे, जो उचित नहीं है। जो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को नहीं पहचानते, ऐसे मनुष्य की आँखें होते हुए भी वह अंधों के समान है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति अकेले ही अपने शुभ अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या अकेले ही मोक्ष प्राप्त करता है। जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। मित्रों, हम मनुष्य हैं और मनुष्यता यही है कि दीन दुखियों को समझें, उनके दर्द को समझें, हम अपनी सक्षमता के हिसाब से उनकी मदद करें। बेजुबान जानवर, पक्षी या अन्य जीव, क्या उन्हें दर्द नहीं होता? क्या उन्हें पीड़ा नहीं होती? ऐसा नहीं है। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी पीड़ा होती है, उनकी भी भावनाएं होती हैं, वो भी दुखी होते हैं, वो भी खुश होते हैं। दोस्तों, कभी इन बेजुबानों के लिए कुछ करके तो देखिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। जो मनुष्य जीवों पर दया करते हैं, जो किसी के साथ अन्याय नहीं करते, जो पाप कर्म से दूर रहते हैं, जो अधर्म नहीं करते, जो परोपकारी हैं, जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो पाप और पुण्य का भेद समझते हैं और पाप कर्म नहीं करते, पुण्य कर्म करते हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो दीन दुखियों की अपने क्षमता अनुसार मदद करते हैं, ऐसे मनुष्य का लोक पर लोक सुधर जाता है एवं भगवान उनकी हमेशा सहायता करते हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन में सुखों का आगमन होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।